नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इग्नोर स्टूडेंट्स हेल्प में। और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस देखेंगे। और इस चैप्टर में फ्रेंड आप पूरा थोड़ा बहुत आप लोगों ने प्लस टू में भी पढ़ रखा है, और हम एक बार कुछ बेसिक चीज़ों को तो गो थ्रू करेंगे, जितना जल्दी हो सके कवर करें। और हम पूरी कोशिश करते हैं हमारे अपने सारे वीडियोज़ में कि जो भी आपके सिलेबस में दे रखा है उसको इन डेप्थ पढ़ाएँ, कुछ भी ना छोड़ें। और हमारी कोशिश यही है कि हर टॉपिक को डिटेल में कवर किया जाए। तो इस चैप्टर में आप देखोगे, पढ़ोगे आप डिमांड के बारे में, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल, और क्यों ये कैसे वेरिएट करता है, शिफ्ट करता है, ये सारा हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सप्लाई का कंसेप्ट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई कर्व, सप्लाई शेड्यूल, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे हम, है ना, चेंजेस कैसे आती है सप्लाई में। फिर इलास्टिसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे हम, डिमांड इलास्टिसिटी, सप्लाई इलास्टिसिटी, फिर कैसे मेज़र करते हैं हम डिमांड इलास्टिसिटी को, डिमांड इलास्टिसिटी के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं। तो हम ये सारा कुछ देखेंगे इस चैप्टर में। तो आप देख रहे हो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, तो मैंने ये डिसाइड किया कि ये वाला चैप्टर हम 3 पार्ट में देखेंगे। पार्ट 1 में हम सिर्फ डिमांड को कवर कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट 2 में हम सप्लाई को कवर करेंगे, और थर्ड में हम फिर इलास्टिसिटी को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें हमारे चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो, और लाइक भी करा करें, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है फ्रेंड्स वीडियो बनाने में, और पूरा टॉपिक को डिटेल में हम कवर करते हैं। तो होप आप हमारी इतनी सी मदद कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड आखिर है क्या? अब देखिए, डिमांड को जानने से पहले हमें डिज़ायर और वांट को भी जानना होगा, ठीक है। डिज़ायर किसको कहते हैं, वांट किसको कहते हैं। अब डिज़ायर का मतलब होता है सिर्फ एक विश करना किसी कॉमोडिटी के बारे में, है ना। जैसे कि मान लो मेरे पॉकेट में 100-200 रुपया, मैं चाहता हूँ यार काश मेरे पास कार हो, तो ये मेरी सिर्फ एक चाहत है, डिज़ायर है, ठीक है। अब वांट क्या होती है? वांट है कि डिज़ायर तो है, साथ में मेरी काबिलियत भी है ख़रीदने की, ठीक है। और काबिलियत ही नहीं, एबिलिटी ही नहीं, साथ में विलिंगनेस भी हो। अब मान लो मेरे पास है 5 लाख रुपए, ठीक है, तो भाई और मेरे को कार भी लेनी है, तो वांट मेरे पास क्या हो गए, एबिलिटी भी है और डिज़ायर भी है। लेकिन अब मैं विलिंगनेस भी होनी चाहिए मेरे में कि हाँ यार मैं 5 लाख रुपए खर्च कर दूँ कार के लिए। अगर वो विलिंगनेस भी नहीं है तो फिर वो वांट नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो वांट इन दोनों, जो डिमांड है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, डिज़ायर प्लस वांट, ठीक है। अब डिमांड के दो करेक्टरिस्टिक माने जाते हैं। डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विद रेफरेंस टू प्राइस। ऑब्वियस है, कोई भी चीज़ के लिए अगर आप जा रहे हो तो उसका प्राइस तो होगी ही होगी ना। और दूसरा क्या है उसका डिटरमिनेंट, दूसरा है इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू अ पीरियड। अब एक एक करके समझते हैं। डिमांड इन ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, है ना, क्योंकि तो देखो जैसे जैसे प्राइस बदलती है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड भी चेंज होती रहती है। सॉरी फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही होगी, मैं एक्चुअली वीडियो रात में बना रहा था तो ये डॉग्स हल्ला कर रहे हैं। मैं एक मिनट के लिए पॉज कर देता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करूँगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन फ्रेंड्स। तो हम डिमांड के बारे में बात कर रहे थे। डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विद रेफरेंस टू अ प्राइस। इस बात को कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? अब देखो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है, एक नॉर्मल सा हमेशा से जानते हैं यार, कोई चीज़ महंगी हो जाए तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, है ना। अगर सपोज़ हम मान लो पहले 100 रुपये में सपोज़ 4 एप्पल आते थे, अब अचानक वो कम होके 3 हो गए हैं, तो हम ऑब्वियसली उसका डिमांड कम हुई है, है ना। तो हम उस चीज़ को कहेंगे कि वो डिमांड प्राइस के रिस्पेक्ट में कमी हुई है, ठीक है। और अगर उसकी प्राइस कम होगी तो हम डिमांड ज़्यादा करते हैं, हम उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं। तो ये एक नेचुरल सा फेनोमेना है जो हम हमेशा से देखते आए हैं। दूसरा है कि डिमांड इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द पीरियड ऑफ टाइम।
मतलब प्राइस हमेशा चेंज होती रहती है, और कभी कभी चीज़ें महंगी हो जाती हैं तब भी हमें लेनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल हम छोटा सा लेते हैं, अम्ब्रेला का एग्जांपल ले लें, तो बारिश के सीज़न में क्या होता है फ्रेंड्स, हमने देखा बारिश के सीज़न में ऑटोमेटिकली हम जो है चीज़ों को, अम्ब्रेला की कीमत अगर बढ़ भी जाए फिर भी हम उसको लेते ही लेते हैं। तो एक तरीके से हम डिमांड को क्या कह सकते हैं कि डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, है ना, कि कंज्यूमर जो है विलिंग भी हो और एबल भी हो कोई चीज़ को परचेज करने के, और साथ में ऐसा नहीं हो कि हाँ आज मैं खरीद सकता हूँ कल नहीं खरीद सकता, वो किसी भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में वो उस चीज़ को ले सके, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। ठीक है, अब डिमांड क्या हो सकती है, किसी इंडिविजुअल की भी डिमांड हो सकती है, डिमांड पूरे एक एरिया की भी हो सकती है, या पूरे मार्केट की भी हो सकती है ना, पूरी कंट्री की भी हो सकती है डिमांड। तो नॉर्मली हम इसको दो में बांटते हैं, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। बट उससे पहले हम देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बाय अ कंज्यूमर। अब अगर हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करें हम, तो कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स, मतलब फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं डिमांड के, तो प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इन क्वेश्चन, जिस कॉमोडिटी की बात कर रहे हैं वो तो ऑब्वियसली है। सेकंड, प्राइस ऑफ द अदर रिलेटेड कॉमोडिटीज, फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। हम एक एक करके इन चीज़ों को देखते हैं। प्राइस ऑफ द कंज्यूमर की अगर बात करें तो ऑब्वियसली बात है कि अगर प्राइस हायर होगी कॉमोडिटी की तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये तो एक नेचुरल सा है जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अब दूसरा आता है साइज ऑफ द कंज्यूमर्स इनकम। अब ये ऑब्वियसली बड़ा फैक्टर है, अगर किसी की इनकम कम है तो वो चीज़ें कम डिमांड करेगा, और उसकी इनकम जब बढ़ेगी तो वो ज़्यादा चीज़ डिमांड करेगा। इसका एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं हम, एग्जाम्पल इसका है कि देखो अगर सपोज कोई पहले सपोज किसी के पास पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी था, है ना भाई, पैसा नहीं था तो ब्लैक एंड वाइट टीवी में देख रहा था, जैसे ही पैसा आया उसने क्या किया, फट कलर टीवी ले लिया। या हो सकता है उसके घर में पहले एक टीवी था, घर में लड़ाई झगड़े होते थे जो सबके यहाँ होते हैं कि मैं ये देखूंगा मैं वो देखूंगा, तो उसने सोचा कि हाँ यार मेरे पास पैसा भी आ गया है तो मैं दो टीवी ले लेता हूँ, पहले वो नहीं अफोर्ड कर सकता था। तो इस तरीके से कंज्यूमर की जो इनकम होती है वो भी बड़ा फैक्टर होती है डिमांड में। फिर प्राइस ऑफ अदर कॉमोडिटीज, रिलेटेड कॉमोडिटीज ना, अब ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनमें, बट एक कुछ एक हम कॉम्प्लीमेंट गुड्स कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स कह सकते हैं, दो टाइप के गुड्स के कंपैरिजन में हम कह सकते हैं इस चीज़ को। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो फ्रेंड वो होते हैं जो साथ साथ यूज़ किए जाते हैं, और सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक के बदले में दूसरा यूज़ किया जा सके। जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड का एग्जांपल लिया जाए तो आप कह सकते हो टी एंड कॉफ़ी, आप चाय की जगह कॉफ़ी पी सकते हो या कॉफ़ी की जगह चाय पी सकते हो, या फिर ऐसे ही कोई कोल्ड ड्रिंक कोको कोला पेप्सी, है ना, या मिरिंडा एंड फेंटा, ऑलमोस्ट सेम टेस्ट के हैं, है ना, तो आप ये कर सकते हो। अब तो बहुत सारे आ गए यार, तो या चॉकलेट का आप ले लो एग्जांपल, है ना, कैडबरी स्निकर्स नहीं मिला तो चलो भाई डेरी मिल्क या कैडबरी ही खा लेते हैं, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं वो एक दूसरे के, है ना। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो दोनों साथ में ही यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाय बना रहे हो तो चाय में चीनी तो चाहिए ही चाहिए ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए टी एंड शुगर, या फिर आपके पास कार है तो उसमें पेट्रोल चाहिए तो कार एंड पेट्रोल भी एक आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें हम, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में यह होता है कि अगर एक कॉमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरे की डिमांड अब ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी का अगर हम एग्जांपल लें, तो अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ेगी तो टी की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री में इसका उल्टा होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है, कि अगर सपोज शुगर की प्राइस बढ़ जाए तो ऑब्वियस है टी की डिमांड कम हो जाएगी, लोग कम पीने लग जाएंगे, या कार पेट्रोल की बात कर लो, अगर पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ा दिया जाए, अभी 100 है मान लो 200 कर दिया जाए, तो फिर कार तो डिमांड भी हो सकता है कम हो जाए,
है ना, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी कम लेने लगे हैं लोग, इलेक्ट्रिक लेंगे या फिर लोग चलाएंगे कम, ठीक है। तो ये भी डिमांड है। फिर फोर्थ फैक्टर आता है फ्रेंड्स, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कि कंज्यूमर को क्या पसंद है। अगर उसको पसंद होगा तो वो चीज़ वो लेगा लेगा, नहीं पसंद होगा तो उसका डिमांड कम हो जाएगी, है ना। और कुछ एक चीज़ें इसमें भी कई सारे फैक्टर्स हैं, आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है, जैसे कि वेदर भी इसमें फैक्टर काम करता है, एज ए फैक्टर वेदर भी आता है ना। तो सपोज जैसे गर्मियों के दिन हैं तो उस ज़माने में हम कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं, आइसक्रीम ज़्यादा खाते हैं, जबकि विंटर के टाइम में हम ये चीज़ें अवॉइड करते हैं ना, इसके जगह पे हम टी पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या कोई गर्म सूप वगैरह ज़्यादा पीते हैं। तो इस तरीके से डिमांड चेंज करते रहती है। और अगर हम ये तो सारे थे कि किसके फ्रेंड्स, अभी डिटर्मिनेंट्स, ये चारों डिटर्मिनेंट्स हमने किसके लिए पढ़े, इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए। अगर हम मार्केट डिमांड के लिए पढ़ें तो उसमें ये चारों तो फैक्टर हैं ही हैं, है ना, ये चारों फैक्टर, प्लस दो फैक्टर और आ जाते हैं, कौन से, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। अभी तक हम एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात कर रहे थे तो ठीक है, लेकिन अगर हम बड़े लेवल पर देखें तो कई सारे लोगों की डिमांड एग्रीगेट होगी, उसके हिसाब से फिर हम देखेंगे, है ना। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे डिमांड बढ़ती है। सपोज एक इंडिविजुअल जाके कितना दूध ले सकता है, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो ले सकता है, बट अगर अब मैं एक लोकल एरिया की बात करने लग जाऊँ तो वहाँ तो भाई 10 कंज्यूमर हैं, तो 10 × 5 50 हो गए, डिमांड बढ़ेगी। फिर उसमें अगर पॉपुलेशन और बढ़ेगी, अगर हमारे 5 लोग और आ जाएंगे तो और 25 किलो की डिमांड बढ़ जाएगी वहाँ। तो इस तरीके से साइज ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इस पे डिमांड पे डिमांड साइज ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो ठीक है पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उनके पास पैसा ही ना हो तो फिर डिमांड वेरी करेगी। अगर मान लो सब रिच हैं तब तो डिमांड ऑब्वियसली बढ़ेगी बढ़ेगी, है ना, और सब पुअर हैं तो फिर डिमांड घटेगी घटेगी। और उस पर भी डिपेंड करता है कौन सी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी कौन सी घटेगी। अगर मान लो सब रिच हैं तो वो फिर वैसी चीज़ें प्रेफर करेंगे, है ना, लग्जरी आइटम्स प्रेफर करेंगे, कार ज़्यादा खरीदेंगे या फिर कुछ और जो लग्जरी यूज़ करते हैं वो, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर छोटी सी बात हम करें कि सेंट वगैरह, तो वो महंगी सेंट लेंगे या कपड़े महंगे खरीदेंगे। और अगर लोअर इनकम वाली जगह है तो पॉपुलेशन अगर ज़्यादा भी है लेकिन उनकी इनकम कम है तो वो फिर लोअर चीज़ें प्रेफर करेंगे, है ना। वहाँ कार नहीं बिकेगी ज़्यादा, वहाँ हो सकता है बाइक ज़्यादा बिके, या फिर वहाँ हो सकता है कुछ कपड़े महंगे ना बिके, सस्ते कपड़े ज़्यादा बिके। तो कॉमोडिटीज़ इस तरीके से वैरी करती हैं। तो मार्केट डिमांड की बात करें हम तो दो फैक्टर आ रहे हैं, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, इनकम ऑफ द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि आपने जूनियर क्लासेस में और भी डिटर्मिनेंट्स पढ़े हुए हैं, है ना, लेकिन ठीक है, हम आपके सिलेबस के हिसाब से ही चलेंगे, जितना यहाँ मेंशन है हम उतना ही पढ़ेंगे। तो ये कुछ एक क्वेश्चन जो है फ्रेंड बीच बीच में दिए हुए ना, ये जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन डिमांड एंड वांट, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ऑफ अ कम्युनिटी बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड ऑफ द कम्युनिटी, मार्केट डिमांड ऑफ द कम्युनिटी। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से करना, क्योंकि जो आपके एग्जाम्स में आएंगे क्वेश्चन वो इन्हीं में से आएंगे और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने भी यहीं से इग्नो से पढ़ाई की हुई है तो मैं जानता हूँ, पहले तो लास्ट में जो क्वेश्चंस होते थे टर्मिनल क्वेश्चंस, बस उसी में से आते थे और चेक योर प्रोग्रेस में से भी आते थे। तो आप इनको करके जाइए, आप आराम से पास होगे। लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड हम जानते हैं फ्रेंड्स कि अगर हम अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखें, अगर हम मान लें कि जो जैसे हम अब ये हैं कंज्यूमर के, इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करें तो कई सारे फैक्टर्स हैं वहाँ पे, है ना, प्राइस ऑफ कॉमोडिटीज, साइज ऑफ कंज्यूमर्स इनकम, प्राइस ऑफ अदर कॉमोडिटीज, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। अगर हम मान लें कि ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो फैक्टर्स हैं ये कॉन्स्टेंट हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता है, तो रह जाता है क्या, सिर्फ प्राइस। तो लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि अगर अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट हैं तो डिमांड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्राइस की। इसका क्या मतलब, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, इसी को कहते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड। तो इससे हमें नॉर्मली डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिलता है। और अब हम
आगे डिटेल में पूरा पढ़ेंगे उसको, कैसे वो वेरी करता है। तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है सबसे पहले, तो व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? तो डिमांड शेड्यूल एक क्या है, हम कह सकते हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है ऑफ कॉमोडिटी डिमांडेड अगेंस्ट प्राइस एट डिफरेंट प्राइजेस, है ना। फॉर एग्जांपल 100 रुपये है तो एप्पल्स डिमांडेड कितना है, 15 है। 200 हुआ तो 12 हो गए, 300 हुआ तो 8 हो गए, 400 हुआ तो 3 हो गए। अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, है ना, हम सिर्फ प्राइस के रिलेशन में देख रहे हैं डिमांड को, दूसरे फैक्टर्स को हम मान ही नहीं रहे कुछ भी अभी, वो हम मान के चल रहे हैं कि वो सब कांस्टेंट है। तो ही लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है जब हम अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक टेबुलर फॉर्म में जो कि डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम अगेंस्ट द प्राइस वाइल कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट, तो ये कहलाता है डिमांड शेड्यूल। और डिमांड कर्व क्या होता है फ्रेंड्स, इसी को हम इस टेबुलर फॉर्म को, डिमांड शेड्यूल को अगर हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तो ये बन जाता है आपका क्या, डिमांड कर्व। इसमें आपको याद रखना है प्राइस जो हमेशा होता है वो वाई एक्सिस की तरफ होती है और डिमांड हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हमें प्लॉट करना हो, ये तो इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए स्ट्रेट हो गया, लेकिन जब हम कई सारे जब हम मार्केट डिमांड को करते हैं, मार्केट्स में तो कई लोग खरीद रहे होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल 3 रुपये की, 3 रुपये की प्राइस है सपोज कोई चीज़ की, तो हो सकता है हाउस होल्ड ए खरीदे 4, हाउस होल्ड बी खरीदे 5, ऐसे ही दूसरे लोग कुछ और खरीदें, तो क्वान्टिटी बढ़ती जाएगी, हर कोई अलग अलग हिसाब से खरीदेगा जितनी जिसको ज़रूरत है। तो एक मार्केट में ओवरऑल हमें डिमांड पता चलती है कि ओके इतना इस प्राइस पे इतना बिक रहा है, इस प्राइस पे इतना बिक रहा है। तो जब हम वो रिप्रेजेंट करते हैं, ये मार्केट डिमांड का क्या है, डिमांड शेड्यूल आ गया आपका। जब आप इसको प्लॉट करोगे तो वो बनेगा मार्केट शेड्यूल, ठीक है। अब वो भी डाउनवर्ड स्लोप ही होता है नॉर्मली, क्योंकि प्राइस इंक्रीज कर रही है तो ऑब्वियसली कंज्यूमर कम, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे कंज्यूमर कम करेगा कंज्यूम चीज को, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग इसीलिए ये चीज होती है। तो ये क्वेश्चन भी है आपका कि व्हाई डज अ डिमांड कर्व स्लोप, व्हाई डज अ डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, हाँ ये क्यों नीचे होता है, इसके स्लोप डाउनवर्ड क्यों है, ये भी एक क्वेश्चन है आपका। तो इसके फैक्ट, इसके तीन कारण है, हम पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है फ्रेंड, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूशन कॉमोडिटी हमने पढ़ी थी कि हमने एग्जांपल लिया था पेप्सी और कोक का, कि अगर मान लो पेप्सी और कोक के प्राइस में अंतर आता है तो वो, अगर पेप्सी महंगी होती है तो कोक पियेंगे लोग, कोक महंगी होती है तो पेप्सी पियेंगे लोग, है ना। जब दोनों का प्राइस सपोज मान लो है 90 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़ ईच, इफ द प्राइस ऑफ कोक इज रेज टू 25, द प्राइस ऑफ पेप्सी इज नॉट चेंज, पेप्सी विल बिकम रिलेटिवली चीपर। तो आप देखो पेप्सी ने कुछ भी नहीं किया अपना चेंज, वो 20 का 20 ही है, लेकिन आप देखोगे सडन राइज इन द डिमांड ऑफ पेप्सी एज अगेंस्ट कोक, क्यों, क्योंकि टेस्ट सेम है यार। हो सकता है कुछ लोग हों जो हाँ भाई मेरे को तो कोक ही पीना है तो वो लेंगे उसको, लेकिन आप 90% लोगों को आप ऑब्जर्व करोगे बाय बिहेवियर, आप देखो कि आदमी फिर नॉर्मली कोक छोड़ देगा, पेप्सी पीने लग जाएगा, है ना। इसी तरीके से मैंगो का भी है, कोई भी चीज़ का जो कॉमोडिटी सब्स्टिट्यूट हो सकती हो उनका ये रहेगा ही रहेगा। अगर मान लो हम जाएँ किसी शॉप पर और हम पूछे अरे भैया चाय है क्या, वो बोलेगा हाँ है, कोई मेरा दोस्त बोले कॉफ़ी है क्या, वो कहेगा हाँ है। अब पूछेंगे रेट, हाँ भाई कैसे दे रहा है चाय, 10 रुपये, और कॉफ़ी कितने की दे रहा है, अगर मान लो वो कहता है वो भी 10 रुपये, तो जो चाय पीने वाला होगा अब इसमें भी कंडीशन है, हो सकता है उसको चाय ही पीता हो कॉफ़ी ना पीता हो, वो अलग बात है, बट जनरली क्या होगा कि अगर दोनों सेम चीज़ में मिल रहे तो हम क्या करेंगे, हायर क्वालिटी वाली चीज़ को पसंद कर लेंगे, है ना। तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है यार मैं भी कॉफ़ी पी लेता हूँ। लेकिन अगर वही चीज़ देख लो अंतर आ जाए, अगर कॉफ़ी का रेट बढ़ा दे उसको 25 कर दे, तो जो लेने वाला होगा
पीने वाला भी हो तो वो भी सोचेगा अरे यार ये तो बहुत महंगी पड़ रही है, वही चीज़ तो है, कैफ़ीन ही तो पीना है, तो यार दूसरा पी लो, है ना, चाय पी लो। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूट का इफेक्ट होता है। इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं कि अगर इनकम इंसान की बढ़ेगी तो वो ज़्यादा खरीदेगा, कम होगी तो वो कम खरीदेगा। अब इसमें भी नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड की बात है। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि ये चीज़ को फॉलो करते हैं ना, कि अगर इनकम बढ़ती है तो इन्फीरियर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? इन्फीरियर गुड्स आर द रेफर्स टू दो गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द इनकम, उनको हम कहते हैं इन्फीरियर गुड। और नॉर्मल गुड हम कहते हैं दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। ठीक, तो इनका जो है क्या कैसा रिलेशन रहता है? नॉर्मली अगर इनकम बढ़ी है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, है ना, और अगर इनकम घटी है, अगर इनकम घटी है तो नॉर्मल गुड भी डिमांड घटेगी। लेकिन इन्फीरियर गुड के मामले में ये इन्वर्स होता है, अगर इनकम इंक्रीज हुई है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो इनकम इफेक्ट ये हुआ, इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमने देख लिया। अब प्राइस इफेक्ट एक आता है, तो प्राइस इफेक्ट क्या है? प्राइस इफेक्ट दोनों का समेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और प्राइस इनकम इफेक्ट का हम कॉम्बिनेशन लेके बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। अब ये क्या होता है, इसमें तीन केस आते हैं फ्रेंड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज ऑपरेट इन मैनर सच दैट प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कॉमोडिटी इंक्रीजेस। मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का ही नॉर्मली अगर हम इसमें देखें, इस फॉर्मूले में पी इज इक्वल टू एस सी प्लस आई, तो सारा रोल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का ही होता है। अगर इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, ठीक है, और वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज़्यादा हो रहा है, तो देर विल बी अ नेगेटिव नेट नेगेटिव इनकम इफेक्ट। ठीक है, इफ द इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव द लॉ ऑफ डिमांड इज स्टिल प्रोवाइडेड। ओके, सॉरी सॉरी, अगर देखो क्या है कि पी इज इक्वल टू एस सी प्लस आई है। अब आई क्या है आपका? इनकम इफेक्ट। एस सी है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो लॉ ऑफ डिमांड कब एप्लीकेबल होगा? तब एप्लीकेबल होगा जब जब इनकम इफेक्ट इज मोर देन आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा हो जाए इनकम इफेक्ट से, तो फिर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है, अगर इनकम इफेक्ट ज्यादा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा, अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा है इनकम इफेक्ट से तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। और लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, इफ डिमांड इफ प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, है ना, तो आपको ये याद रखना है। तो होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया हो। अगर कोई कहीं पे डाउट हो रहा हो तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो, बता सकते हो। ये चीज आपने क्लास 11-12 में ही पढ़ी हुई है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सारा कुछ, तो इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं वैसे मेरे को, और फिर भी हमने पूरा डिटेल में आपको चीज़ें बता दी हैं। हालांकि आपने क्लास 11-12 में इससे ज़्यादा ही पढ़ा, यहाँ पे थोड़ा सा कम चीज़ें बताई गई हैं, क्योंकि तो अभी ये फर्स्ट ही सेमेस्टर है आपका, तो इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं दी गई हैं यहाँ पे, आपको इस चीज़ को
फ्यूचर में ज़्यादा किया जाएगा, है ना। तो ये था लॉ ऑफ डिमांड का आपका पूरा चीजें। अब मैं चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड पढ़ेंगे एंड चेंज वर्सेस चेंजेस डिमांड पढ़ेंगे। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन हो फ्रेंड्स, तो आप मेरे को पूछ सकते हो कि क्या है। फिर आते हैं गिफिन गुड के बारे में। गिफिन गुड्स का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? रॉबर्ट गिफिन्स ने दिया था। और इसमें क्या होता है कि कुछ एक गुड्स ऐसे ही होते हैं समाज में जहाँ पे कि अगर उसकी सपोज प्राइस गिर भी जाती है तो उसकी डिमांड इतनी बढ़ती नहीं है, ठीक है ना, वो नॉर्मली रहती है, कोई अंतर आता नहीं है उसके डिमांड पे। ऐसा नॉर्मली होता है इन्फीरियर गुड्स के ही केस में ज़्यादातर देखने में आया है कि हाँ भाई, अगर उसका डिमांड और भी नीचे गिरा दिया जाए, प्राइस और भी गिरा दी जाए, तो उसके डिमांड में कुछ ज़्यादा इंक्रीज आया ऐसा देखा नहीं गया है, ठीक है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड, अब हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये टर्म समझते हैं, एकदम सेम सिमिलर साउंड कर रही है, लेकिन हम इसको गौर से देखते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वो होती है फ्रेंड कि जब सारे व्हेन द डिमांड ऑफ द कॉमोडिटी चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, खाली है ना, सिर्फ प्राइस के बल पे जब डिमांड चेंज हो तो उसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन व्हेन द डिमांड इज अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर्स देन प्राइस इट्स प्राइस, ठीक है। जब हम प्राइस को कंसिडर नहीं करते हैं, दूसरे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं डिमांड चेंज में, डिमांड चेंज के लिए, तो उसको कहते हैं चेंज इन डिमांड, ठीक। साउंड कर रहा है सेम टू सेम, बट एक दो बार ठीक से सुनोगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? फिर से, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है आपकी जब डिमांड में चेंज आए एट सेम प्राइस, ठीक है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आता है। ओ सॉरी सॉरी, चेंज इन, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। देखिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब होती है? जब हम डिमांड में जब चेंज आए, जब सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखें और सिर्फ प्राइस में चेंज आए, तो वैसी डिमांड को हम क्या कहते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन चेंज इन डिमांड में क्या होता है? प्राइस तो कांस्टेंट रहता है लेकिन दूसरे फैक्टर्स वैरी करते हैं, तो उस चेंज इन, उस डिमांड चेंज को हम कहते हैं चेंज इन डिमांड। अब इसमें एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कैसे आता है? तो एक्सपेंशन एंड डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन एंड डिमांड हम पढ़ते हैं। अब होप आपको यहाँ तक सारा समझ आ रहा हो। कोई नहीं, मैं एक समरी भी पूरी दूंगा और मैं कोशिश किया करूँगा कि आप लोगों को थोड़ा बड़ा नोट्स भी दिया करूँ ताकि आराम से आप उसको पढ़ सको। हालांकि इग्नो की बुक में बहुत ही अच्छे से सब कुछ दिया हुआ है, आपको कहीं कुछ और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले चेंज इन डिमांड क्या, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है। तो आप एक ग्राफ देख पा रहे हो, है ना। तो सबसे पहले हम ओरिजिनल ओरिजिनली सपोज मान के चलते हैं कि क्यू ए टाइप की क्वांटिटी डिमांड हो रही थी जब प्राइस उसकी पी ए थी, ठीक। अब सपोज मान लो प्राइस हम बढ़ा देते हैं उसकी, ठीक, प्राइस बढ़ा दी, पी बी पहुंचा दिया हमने, पी ए से पी बी कर दिया, तो हम देख रहे हैं क्या कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन डिमांड हो जाता है ना, प्राइस डिक्रीज हो रहा है क्योंकि बाकी सारे फैक्टर तो हमने कांस्टेंट रखे हुए हैं। चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहे हैं हम अभी, तो वो क्यू बी आ जाता है, पीछे आ जाता है। तो आप देखो क्या हो रहा है, ये वाला अब बन रहा है, ठीक है, कर्व। तो पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ था? ए था। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पहुंच गया? बी, मतलब ऊपर चला गया, है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और अगर वही हम प्राइस घटाएं तो क्या होती है? क्वांटिटी इंक्रीज कर जाती है। तो अब आप देखो इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट कहाँ बढ़ गया? सी पे आ गया। तो ये क्या जा रहा है? ए से और आगे की तरफ बढ़ रहा है, राइट की तरफ बढ़ रहा है ना। तो इसको क्या हम कहते हैं? एक्सपेंशन इन डिमांड, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। होप आपको समझ में आ गई होगी ये चीज।
फिर चेंज इन डिमांड की बात अगर हम करें तो चेंज इन डिमांड किस पे होता है? चेंज इन डिमांड होता है जब हम दूसरे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं ना, कि उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो उनमें क्या क्या चेंज आता है, या तो इंक्रीज इन डिमांड या तो डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है, टेक्स प्लेस व्हेन एट अ गिवन प्राइस हायर क्वांटिटी इज डिमांडेड। यही कहेंगे ना हम कि डिमांड कब हो गया कि प्राइस सेम रहा लेकिन डिमांड बढ़ गया, भाई डिमांड बढ़ गई है। या फिर डिक्रीज इन डिमांड क्या हुआ कि प्राइस तो सेम है लेकिन डिमांड घट गई है। अब ऐसा कैसे है भाई, तो जब दूसरे फैक्टर काम कर रहे हैं तभी तो ये चीज़ आ रही है ना कि प्राइस में तो कोई चेंज नहीं कर रहे हम लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ रही है या घट रही है। तो जब इनको इफेक्ट में लिया जाता है तो ये क्या होता है, डिमांड कर्व शिफ्ट करता है राइट में या लेफ्ट में आता है, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है, जब प्राइस तो सेम है लेकिन डिमांड बढ़ गई है। तो आप देखो फिर कर्व कौन सा आता है, डी डैश आता है। और अगर सेम प्राइस पे डिमांड घट गई है तो फिर वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाता है पूरा का पूरा कर्व, और तब ये जो स्लोप आ रही है हमारी कौन सी हो जाती है, डी डैश। तो एट अ गिवन प्राइस अगर एक्सपेंशन हो रहा है डिमांड का तो वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा स्लोप, और अगर डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है तो मतलब डिक्रीज हो रहा है मतलब वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। अब कई सारे फैक्टर्स हैं इसके ना, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट कराने के, और उनका क्या क्या असर होता है मैं आपको पूरा बता देता हूँ, और आप उसको कहीं पे लिख लीजिए वो बेटर रहेगा। जैसे कि कब राइट होगा या कब लेफ्ट जाएगा, तो उसमें से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि राइटवर्ड शिफ्ट करा रहे हैं, कौन कौन लेफ्टवर्ड शिफ्ट करा रहे हैं, आप लिख लो, मैं एक बार मेंशन करता हूँ। तो डिमांड का राइट शिफ्ट तब करता है जब इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड हो, या फिर डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो, या इंक्रीज इन इनकम हो विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल गुड्स, या फिर डिक्रीज इन इनकम विद रिस्पेक्ट टू इन्फीरियर गुड्स, इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो, टेस्ट इन फेवर ऑफ कॉमोडिटी हो, या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर इंक्रीज इन प्राइस हो। फ्रेंड्स ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में, बट ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कब कब वो राइट मूव करता है, कब कब लेफ्ट मूव करता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने अभी आपको मेंशन किए। अगर आपने नोट नहीं किया तो आप कोई बात नहीं, आप आराम से वीडियो को बैक करके पॉज कर करके लिख सकते हैं। और डिमांड कर्व लेफ्ट कब शिफ्ट करता है, जब देर इज़ अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, या फिर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, या तीसरा फैक्टर इंक्रीज इन इनकम विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल गुड्स, सॉरी डिक्रीज इन इनकम विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल गुड्स, इंक्रीज इन इनकम विद रिस्पेक्ट टू इन्फीरियर गुड्स, या फिर डिक्रीज इन पॉपुलेशन, या फिर टेस्ट नॉट इन फेवर ऑफ द कम्युनिटी, या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर डिक्रीज इन प्राइस। तो ये सारे फैक्टर्स तो हैं जिनके वजह से आपका जो डिमांड कर्व है वो राइट या लेफ्ट शिफ्ट करता है। आप इन फैक्टर्स को याद कर लेना अच्छे से, और मुझे पता है आप लोगों ने प्लस टू में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो आप पूरा डिटेल में भी इनके कर्व्स के साथ जानते हो, बट आपके सिलेबस में यहाँ पे नहीं है तो इसी चलते मैं उस चीज़ को डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा। हो सकता है जो पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो उनको ये दिक्कत आए, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक बार क्लास इलेवेंथ की माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ लें, है ना, तो वहाँ से आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा चीज़ें, और भी ज़्यादा क्लियर आ जाएंगी। तो फिलहाल फ्रेंड्स यहीं तक मैं रोकता हूँ आपका। अब देखो ये जो कुछ एक क्वेश्चन हैं आप ये जरूर कर देना, स्टेट लॉ ऑफ डिमांड डज इट अप्लाई टू ऑल गुड्स, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट इज इक्वल टू प्राइस इफेक्ट, इज दैट ऑलवेज ट्रू, ये क्वेश्चन 100% आप समझो आएगा। डज अ चेंज इन टेस्ट लीड्स टू मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व, तो मैंने जो फैक्टर्स बताया ना फ्रेंड अभी लास्ट में कि किन किन फैक्टर्स की वजह से राइट मूव करता है, किन किन फैक्टर्स की वजह से लेफ्ट मूव करता है, आप इनको एकदम लिख के याद कर लेना और ये 100% आएगा आपके एग्जाम में लिखने के लिए फैक्टर्स, ठीक है। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और कुछ कमेंट हो तो कमेंट में डाल सकते हो कहीं पे दिक्कत हो रही हो तो। और आज थोड़ा सा फ्रेंड्स वीडियो बनाते समय दो तीन बार पॉज करना पड़ गया, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मैं कोशिश करूँगा अगली बार से ऐसा ना हो, और रियली सॉरी फॉर द सेम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।